नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों आज से हम अपने चैनल पे एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बैंकिंग न्यूज। तो बैंकिंग न्यूज में क्या होगा कि हफ्ते भर में जितने भी बैंकिंग के इसके साथ ही फाइनेंशियल जो भी न्यूज निकलेगी उन सभी न्यूज को इकट्ठा आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। दोस्तों काफी समय से मैं सोच रहा था क्योंकि अलग अलग न्यूज पे न्यूज टॉपिक पे वीडियो बना रहे थे तो सारे न्यूज को कवर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो पाया था। तो मैंने सोचा कि हफ्ते भर के जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज निकलेगी उन सभी को एक वीडियो में आप लोगों को डिलीवर किया जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग इस न्यू सीरीज को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए ताकि हम आगे और ज्यादा मोटिवेट हों और इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों को देने के लिए। तो आइए दोस्तों बिना समय का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की सबसे पहली न्यूज के साथ जिसको सुनकर आप सभी लोगों का दिल जरूर खुश हो जाएगा। तो सबसे पहली न्यूज यह है कि भारत अब दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जिसमें उसने ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया। तो काफी अच्छी बात है भारतवासियों और भारत के लिए। इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि करीब 2.94 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ भारत पांचवें स्थान पे पहुंच गया है। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पहली न्यूज जहां इतनी अच्छी थी वहीं दूसरी न्यूज बैड न्यूज है। तो बैड न्यूज ये है कि अभी तक आप लोग किसी भी इंडिया किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे कि आप लोग को फ्री में वाईफाई मिलता है गूगल और रेलटेल की तरफ से। तो वो गूगल अब अपना फ्री वाईफाई इंडिया के सभी रेलवे स्टेशन से बंद करने जा रही है। तो काफी ये बैड न्यूज है, हम लोग को फ्री वाईफाई मिल जा रहा है। मान लीजिए अभी डाटा तो सस्ता हो रखा है बट कभी कभी इंटरनेट वीक होता है किसी स्टेशन पे या फिर नेटवर्क ही वीक होता है तो हमें उसकी जरूरत पड़ जाती है। तो अब ये जो गूगल के द्वारा फ्री वाईफाई सर्विस दी जा रही थी वो अब गूगल बंद करने जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर सुन के तो आप सभी लोग चौंकी जाएंगे। तो तीसरी खबर यह है कि केरल में पता नहीं किसने व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू अफवाह फैला दिया कि मोदी जी ने जो 15-15 लाख रुपए देने का सभी के अकाउंट में वायदा किया था वो अब मिल रहे हैं, जिससे ये हुआ कि पूरे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया और सारे लोग बैंकों के बाहर जाकर भीड़ इकट्ठे होने लगे और लंबी लंबी लाइनें लगने लगी जिससे बैंक कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान, लोगों को बताते बताते लोग थक जा रहे हैं कि 15-15 लाख नहीं आएंगे। बट पता नहीं कहाँ से वो पुराना मैसेज किसने वायरल कर दिया और लोगों में ये भ्रम फैल गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी 15 लाख किसी के खाते में नहीं आ रहे हैं, ये फेक न्यूज है, फेक न्यूज से आप लोग पूरी तरह जरूर बचें। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि भारतीय एटीएम एसोसिएशन ने आरबीआई को एक ओपन लेटर लिख के बोला है कि जो उसके अभी एटीएम का मेंटेनेंस चार्ज है उसको बढ़ाया जाए। मतलब कि अब आप लोगों को जो एटीएम विड्रॉल करने पे जो चार्जेस लगते थे वो बढ़ के लगने लगेंगे। मतलब कि एटीएम से पैसे निकालना अब हो सकता है नए साल में महंगा हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि 31 मार्च 2020 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रकार के BS4 वाहनों की बिक्री पे रोक लगा दी है। तो अगर आप लोग कोई भी फोर व्हीलर हो या फिर टू व्हीलर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़े समय ही बाद सभी प्रकार के BS4 वाहनों की जो उसके रेट है प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा कम होने वाली है। तो आप लोग उस समय BS4 चाहे आप टू व्हीलर खरीदना चाह रहे हो या फिर फोर व्हीलर आराम से खरीद सकते हो। करीब 20-30% तक के जो उसके प्राइसेस हैं वो डाउन होने वाले हैं क्योंकि 31 मार्च 2020 के बाद से जो भी बिक्री होगी वो BS5 वाहनों की ही होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि SBI बैंक ऑफ बड़ौदा और इसके साथ ही इलाहाबाद बैंक के कस्टमर के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी वाली बात है क्योंकि इन तीनों बैंकों ने अपने जो उसका मार्जिन स्टैंडिंग रेट है उसमें करीब 0.05% की कमी की है जिससे इसके लोन और इनके आने वाले इंटरेस्ट रेट सब कम हो जा रहे हैं। तो काफी अच्छी बात है। तो आप लोग अगर कोई SBI बैंक ऑफ बड़ौदा इसके साथ इलाहाबाद बैंक के कस्टमर हैं, अगर कोई पहले से लोन ले रखे हैं या फिर लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी वाली बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट भी कुछ अफवाह भरा है। तो इसमें कुछ लोगों ने व्हाट्सएप इसके साथ सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला रखी थी। इवन मैं एक दिन चाय पीने एक चाय का जो ठेला होता है वहां पर रुका हुआ था तो वहां पे भी कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि गवर्नमेंट अब 2000 रुपए के नोट बंद करने वाली, इसलिए अगर किसी के पास 2000 रुपए का नोट हो तो जल्दी से जल्दी वो बैंक में जमा कर दे। मतलब इस तरह की बेवकूफी बातें कौन करता है यार, मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं कहां से लोग व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो इंडिया में कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हो रही है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इसके लिए बकायदा RBI ने एक प्रेस रिलीज करके ये भी बोला है कि
2000 रुपए के जो नोट है उनकी छपाई कम हुई है। वो सरकार उसको बंद नहीं करने जा रही है, बस उसकी छपाई कम हुई है, जिससे मार्केट में उसका रेगुलेशन कम हो गया है। तो लोगों में ये भ्रम फैल गया है कि शायद 2000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट यह है कि बैंकों के टाइमिंग में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो जिसका सबसे पहला जो ट्रायल किया जा रहा है वो MP यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया जा रहा है। तो वहां पे बैंकों की जो टाइमिंग इसमें हो रही है खुलने और बंद होने की, वो है 11 से 6 बजे तक, 10 बजे से 6 बजे तक बैंक ओपन रहेगा। और जो उसमें कामकाज यानी कि कैश का लेन देन होगा वो 11 बजे से 5 बजे तक होगा। तो अभी इसका ट्रायल चल रहा है और ट्रायल को सक्सेस होने के बाद इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट यह है कि अब आप लोग 1 जनवरी 2020 के बाद से आप लोग 10,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप लोग मुसीबतों में फंस सकते हैं। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने यह साफ साफ बोला है कि 10,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी कैश ट्रांजेक्शन करता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो आप कैश में नहीं बल्कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक साधन का, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नेफ्ट, RTGS, इसके साथ ही IMPS का यूज कर सकते हैं, इसके साथ ही UPI कर सकते हैं, चेक वगैरह से आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बट कैश से ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए से ज्यादा का नहीं करना है। दोस्तों बढ़ते हैं आप लास्ट अपडेट की तरफ। तो लास्ट अपडेट जहां पहली न्यूज बहुत ही अच्छी थी उसी तरीके से लास्ट न्यूज भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो गुड न्यूज ये है कि अभी तक जो बैंकों में आप लोगों ने सुना होगा कि अगर बैंक डूब जाता है यानी कि बैंक दिवालिया हो जाता है तो बैंक में आपका चाहे जितना भी पैसा जमा हो तो आप लोगों को सिर्फ मात्र 1,00,000 रुपए ही वापस मिल पाते हैं। इस पे काफी दिनों से विवाद चल रहा था, चर्चा चल रही थी। तो अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें यह बताया गया है कि 5,00,000 रुपए अगर आप बैंक डूब जाते हैं, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में रहता है तो 5,00,000 रुपए आपको मिलेंगे, चाहे आपने कितना भी अमाउंट जमा किया हुआ हो। तो 5,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस DICGC जो कर रही है वो 5,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस अब हो रही है। तो आप लोगों को बैंक डूबने की या फिर बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में आप लोगों को 5,00,000 रुपए तक मिल पाए। तो ये थी हफ्ते भर की बैंकिंग और फिनेंशियल न्यूज। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा ये पहला एपिसोड जरूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया तो आप लोग को पता ही क्या करना है, आप लोग को करना है लाइक और इसके साथ ही अपने सभी दोस्तों, अपने सभी जानने वालों, अपने सभी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोगों को कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आप लोगों को ये पहला एपिसोड कैसा लगा ताकि हम मोटिवेट हो सके अगले नेक्स्ट अपडेट के लिए, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे जानकारी जरूर पसंद है। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।